Maximum coordinate as an endurance is the best. Only when you come to a very clean ground, you see your team is okay with you, then you say, okay, now we'll enter a little bit, back to stop, and then again, back, go back into trotting. So that is the best way to actually compete and finish a race. In endurance, we say it is not necessary to win. It is necessary to finish the race. That is more important. You qualify for it, that it says, okay, this is good. इस बार दोस्तों डुंडलोद में जो ट्रेनिंग कैंप हो रहा है, इसमें हमें एंड्योरेंस के साथ टेंट पैगिंग और हॉर्स बैक आर्चरी करवाई जाएगी। आज है दूसरा दिन और दूसरे दिन सबको एंड्योरेंस के ट्रायल के लिए बाहर लेके जाया गया। जैसे जिस जगह एंड्योरेंस होती है, जैसे जैसे ट्रैक्स बनते हैं, बिल्कुल नेचुरल रास्तों में से सबको ये चीज़ दिखाई गई कि एंड्योरेंस के दौरान कैसे आपको राइड करना है, कैसे किस रास्तों में से गुजरना पड़ता है, क्या ट्रैक होते हैं। और हमें आगे लीड कर रहे थे श्री राघवेंद्र सिंह जी डुंडलोद, जिनकी वजह से ये कैंप लगा है, जिनके यहाँ हम सब लोग ठहरे हैं। हमारे इंस्ट्रक्टर इस कैंप में हैं कर्नल सर प्रताप सिंह जी, और 3-स्टार जज हैं कर्नल अशोक कुमार यादव जी। मैंने एक थ्योरी क्लास भी एंड्योरेंस की आपके लिए अपलोड कर दी है। उसके बाद अगले दिन था हमारा प्रैक्टिकल एंड्योरेंस का, कैसे घोड़ों को कंट्रोल करना है, कैसे नेचुरल रास्तों में से निकलना है, कैसे एंड्योरेंस के लॉन्ग राइड में हमें जाना होता है। आज दो बैचों में हम लोगों को करवाया गया, 10-10 किलोमीटर का एक बैच ने राइड किया है, और उसमें से जितना हो सका मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है। पूरा लंबा वीडियो तो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था, बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता। फिर भी आप दोस्तों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि अगर आप भी एंड्योरेंस राइड में आएंगे तो कैसे रास्ते होते हैं, कैसे ट्रैक होते हैं, कैसे कैसे हमें राइड करना होता है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हम बहुत ही आराम से, बहुत ही मज़े जा रहे हैं। यही चीज़ हमें श्री राघवेंद्र सिंह जी डुंडलोद ने बताई कि इस गेम में विन करना ज़रूरी नहीं होता है, इस गेम में क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। एंड्योरेंस गेम होती है लंबी रेस। आप अपने घोड़े पे बैठ के 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, 120, 160 किलोमीटर तक आप राइड कर सकते हैं। जितने भी मैंने नंबर बोले हैं, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ये सब इतनी इतनी रेसेस होती हैं और ये एक इंटरनेशनल रेस है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे भारत की जो नस्ल है, हमारी इंडिजीनियस नस्ल है, मारवाड़ी और काठियावाड़ी और जितने भी हमारे देसी नस्ल के घोड़े हैं, ये एंड्योरेंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अपने पंजाब वालों के पास, अपने गुजरात, अपने राजस्थान, अपने यूपी, अपने जितने भी राज्य भारत में हैं, सबके पास जो अपने देसी घोड़े हैं, ये काम में आ सकते हैं, ये गेम में आ सकते हैं और इनकी वैल्यू बढ़ सकती है। मगर उसके लिए हमें खुद के जो घोड़े अपने घरों में पाल रहे हैं, इनके ऊपर राइड करना होगा, इनको निकालना पड़ेगा इनके स्टेबलों से, तो जाके ये कुछ करेंगे। बहुत सारी ऐसी धारणाएँ हैं कि अंग्रेजी घोड़ों के मुकाबले देसी घोड़े खड़े नहीं हो सकते, मगर वो धारणा सरासर गलत है। बिल्कुल हमारे देसी घोड़े भी कम्पीट कर सकते हैं, मगर इनमें जो काबिलियत है वो एंड्योरेंस वाली काबिलियत बहुत अच्छी है। हर आदमी एक हर अलग काम के लिए बना होता है। कुछ घोड़ों की नस्ल ऐसी है जो सिर्फ जंपिंग में अच्छे हैं, जंपिंग तो हमारे देसी घोड़े भी करते हैं, मगर फिर भी जो एंड्योरेंस है वो इनका ज़्यादा अच्छा है। तो आप अगर देसी घोड़े पालते हैं तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये गेम नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। इसी ट्रेनिंग में हमें देखिए, आप सबके घोड़ों के पास जाके वीडियो बनाया है, सबको दिखाया है, इसमें यही प्रूफ कर रहे हैं कि अपने जो इंडिजीनियस ब्रीड है, हमारे भारत की देसी ब्रीड है, ये बहुत ही अच्छी है। इनको अगर हम पाल रहे हैं तो इनसे गेम करवानी है ताकि इनकी वैल्यू इंटरनेशनल तक पड़े, देशों विदेशों में इनकी मांग बढ़े और इनको ख़रीदा जा सके। बहुत सारी ब्रीडिंग आज देसी घोड़ों की इंडिया में हो रही है, आप सबको पता है, मगर वो कोई भी गेम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप सबने सुना है
कि यहाँ पे 20-20 लाख 25-25 लाख के मारवाड़ी घोड़ों की स्टार्टिंग रेंज है, तो जो 20 लाख रुपए का घोड़ा है वो करता क्या है उसके बारे में कोई बताए तो सिर्फ उसमें यही है कि उसमें ब्यूटी है जी, उसमें हाइट है, उसमें सुंदरता है। तो सिर्फ सुंदरता कुछ नहीं कर सकती जब तक ये किसी काम नहीं करेंगे। कर्नल सर प्रताप सिंह जी ने एक वीडियो में ये बताया था कि आप अपने बेटे की शादी करो तो एक अच्छी बहू ले आओ, और अच्छी सुंदर बहू किसी काम की नहीं जब तक उसको खाना नहीं बनाना आता। वही चीज़ उन्होंने उदाहरण दी थी कि घोड़े सुंदर से सुंदर आप रख लो, मगर अगर आपका घोड़ा चलता नहीं है, आपको राइड करवाता नहीं है, तो किस काम का। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि सिर्फ हमारे घर पे घोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, इनको काम में लाना पड़ेगा। तो इंड्योरेंस के जो रूल्स हैं, जो भी बातें हैं, वो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें पूरा बताया गया है, उसको ध्यान से देखिए। और आइए आज आप भी हमारे साथ इस राइड को एंजॉय करें और देखें कैसा है आज का दिन। कितने किलोमीटर निकाल के बाजी आज? आज हमने 20 किलोमीटर की राइड की है। अच्छा सर, धुंडलोज में जो एंड्योरेंस की ट्रेनिंग हो रही है इसमें हमको ट्रेल राइड करवा रहे हैं। मतलब आज कोई इवेंट नहीं है, मगर इवेंट कैसे खेलना है उस हिसाब से हमें सिखाया जा रहा है, और आज हमने 20 किलोमीटर राइडिंग की। आप मेरे दोस्त हैं, क्या नाम है? देवीदत्त मिश्रा। ये मिश्रा जी हैं, और मिश्रा जी भी हमारे साथ ट्रेनिंग करने आए हैं। और मिश्रा जी, आपको कैसा लगा? मजा आया। वाह, सिर्फ मजा आया? ऐसा मजा जो बार बार लेना चाहिए आपने। क्या बात, सिर्फ मजा आया या बहुत मजा आया? बहुत मजा आया। चलो मरे, तुम थोड़ा आगे चले जाओ ताकि पीछे से ले सके। पीछे से? नहीं नहीं, आप आगे चले जाओ। करियर रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूं। बंद करके? हां बंद करके दोबारा। तो एक दोस्त और आज हमारे साथ कैंप को ज्वाइन करने आए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आपकी फेर आप रुकते हैं? हाँ हाँ, बताइए सर अपने बारे में। चलो, मैं उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर उड़ीसा से, और यहाँ पे आए हैं दोस्तों लौटने राइडिंग का। ओ बात तो पूरी करने लो जी। ओ मिश्रा जी, ओ घोड़े को रोको, घोड़ा आपको भगा के ले गया। मिश्रा जी, आपको घोड़ा कहाँ लेके जा रहा है? आपने देखा कि वो बात कर रहे थे और घोड़ी एकदम से सेकेंड हो गई और मिश्रा जी को घोड़ी भगा के ले गई जी। हमारा साथ में फंक्शन भी चल रहा था, पूरा एंजॉय किया। यहाँ पे हमारा ट्रेल राइड से वापस जाने का समय हो गया था अपने स्टेबल्स की तरफ। घोड़ों को भी जल्दी थी कि घर जाके खाना खाना है। अगले साल अगर दोबारा कैंपिंग हुई तो फिर आना चाहेंगे आप? जरूर आएंगे हम अगले साल, और बहुत जनों को लेके। ये होती है कि मैं 1.5 साल पहले भी आया था। अच्छा, और दोबारा आया हूँ। अच्छा, और जिन लोगों ने पिछले साल मेरे साथ कैंप किया था वो कोई आ ही नहीं सके। किस्मत देखो, या तो वो बिजी होंगे जी, उनको मैसेज नहीं लगा जी, डेडिकेशन खत्म हो गई। तो अगर घोड़सवार बनना है तो जितना ज्यादा आपको मौका मिले घोड़े पे बैठने का बैठो, वो एक्सपोजर चाहिए आदमी को। हाँ, जितना बार मौका मिले ट्रेनिंग करने का करो जी, कभी भी सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है। वो तो है, और 10 साल से मैं भी घोड़ा चला रहा हूँ जी, और अभी भी लग रहा है यार और सीखना है, और सीखना है। पर सरदार जी, हम सीखने के लिए तो बड़े बचावले हैं। हाँ, वाला है आप मौका मिला है ना? हाँ, लेकिन लोग में आए हैं धोनी सर, जो अपने श्री राजविंदर सिंह जी धुंडलोज जी, इतना प्रयास करते हैं हम सब लोगों को सिखाने के लिए जी, इतनी मेहनत करते हैं, हमारे साथ साथ राइडिंग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और अपने घोड़ों पे हमें बिठा रहे हैं जी, और इतने 40 लोगों को मैनेज करना जी, और उनको एक एक घोड़ा देना, और सबका इतना करना कोई नहीं कर सकता, ये छोटी बात नहीं है। हाँ, उन्होंने जो कर दिया है वो दोबारा इतिहास में नहीं होता। वो तो मेरे जैसा आदमी शौक रखता है राइडिंग करने का, कराने का, मैं क्या कर सकता हूँ? एक बंदे को सिखा सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा? हार्डली 5 बंदे एक साथ सिखाए तो। एक बंदे को मैं एक साथ ही सिखा रहा हूँ तो बहुत है। हाँ, मतलब 40 लोगों की क्लास लेनी, पूरे मैनेज करना, सबको रखना जी, सबको खाना खिलाना, बड़ी बात।
बहुत बड़ी बात है, तो दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ बोनी सर का, ये भगवान उनकी उम्र और लंबी करे, वो 50 साल जिए और हम लोगों को ऐसे ट्रेनिंग कैंप में आने का मौका मिलता रहा, हम सीखते और आपके से दोस्त हमें मिलते रहे। मिश्रा जी मज़ा आया आपसे मिलके जी, तो ठीक है फिर मुलाकात 3-4 दिन साथ में ही है, मैंने पूरी क्लास मिस करी थी। और हम एक ये पार्टी भी अरेंज कर रहे हैं। हाँ हाँ, एक बकरे बकरा बकरा देख के। ना भैया सच में, और मैं तो गोभी वाला आदमी हूँ। अरे गोभी खाऊंगा, बकरा नहीं खाऊंगा, मेरे लिए दाल और गोभी बना देना।